जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जो मंत्र। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार पधार रहे हो, पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप ही का अपना चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों शिक्षा, रोजगार, आंगनवाड़ी, आशा बहनों और शहीदा कर्मचारी और अस्थायी कर्मचारी से संबंधित भारत के किसी भी राज्य की कोई भी खबर होती है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, हम आपके लिए सबसे पहले लेकर के हाजिर हो जाते हैं। खासकर आंगनवाड़ी आशा बहनों की मानदेय बढ़ोतरी, पेंशन और आपका स्थायीकरण और राज्य कर्मचारी दर्जा, या केंद्र का बढ़ाया हुआ मानदेय आपका कब तक आ जाएगा, या राज्य का बढ़ाया हुआ मानदेय कब तक आ जाएगा, सेवानिवृत्ति आयु बढ़ोतरी, सेवानिवृत्ति मिलने वाला लाभ आपको कितना मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें हम आपके लिए कवर करते हैं। बाकी आप ही लोगों के हम कॉमेंट्स भी लेते हैं, आप किस राज्य के आंगनवाड़ी वर्कर हो कॉमेंट करके ज़रूर बताएगा। आपका कोई भी डाउट है तो वो भी आप कॉमेंट करके हमको बता सकते हो। आपका अगर बढ़ावा मानदेय आ गया है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे और भी बहनों को बताया जा सके। कई राज्यों के अंदर तीन तीन चार चार महीने का एरियर भी आया है, आपका आया है कि नहीं आया, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएगा। अगर नहीं आया तो वैसे बता दीजिएगा, आया है तो आप बताइएगा कितना आपका आया है, तो जिससे और बहनों को भी बताया जा सके। तो आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, आशा बहनों को 3,000 रुपये मासिक पेंशन और आंगनवाड़ी वर्कर का मानदेय 18,000 रुपये और प्राइमरी टीचर जितना मिलना चाहिए, उसको लेकर के हम आपको इस वीडियो में सारी खबर पूरी बताने वाले हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। जैसा कि सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं खबर का सही है या गलत है, आप देख सकते हो 10 जून 2019 की खबर है। अब हम खबर देख लेते हैं, खबर क्या है। आशा को मिलेगी 3,000 मासिक पेंशन, पहल तेज। तो आप देख सकते हो समस्तीपुर की खबर है। सामाजिक सुरक्षा अंतर्गत प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से आशा और आशा फैसिलिटेटर को जोड़ा जाएगा, इस दिशा में विभागीय पहल तेज कर दी गई है। राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक ने सूबे की सभी सिविल सर्जन को इस दिशा में कार्य करने का आदेश जारी किया है और असंगठित क्षेत्र में के ऐसे कर्मचारी जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष है और मासिक आय 15,000 रुपये अथवा उससे कम है तो इस योजना की सुविधा मिल सकती है। योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार और लाभार्थी की मासिक हिस्सेदारी 50% होगी। इसके बाद 60 वर्ष की उम्र के बाद उनकी मृत्यु तक पहल प्रत्येक महीने 3,000 रुपये पेंशन भी मिलेगी। सरकार ने असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा देने के लिए खास तौर पर स्कीम तैयार की है, जिसका नाम प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है। और इस स्कीम के जरिए केंद्र सरकार असंगठित क्षेत्रों में कार्य करने वाले कर्मचारियों को रिटायर होने की उम्र के बाद पेंशन ऑफर कर रही है। उम्र के हिसाब से राशि जमा करनी होगी। योजना में के शामिल होने के लिए आशा और आशा फैसिलिटेटर की उम्र के हिसाब से राशि जमा करनी होगी। 18 वर्ष की उम्र में 55 रुपये, 19 में आपका 58, 20 में 61, 21 में 64 और 22 में 68, ऐसे करके आप देख सकते हो आपको राशि जमा करनी होगी। 40 साल की उम्र के बाद में आपको 200 रुपये जमा करने होंगे। उसके द्वारा जमा की गई राशि को सरकार द्वारा ही जमा की जाएगी सेम राशि, और 60 वर्ष की उम्र के बाद में सभी को 3,000 रुपये प्रत्येक माह पेंशन भी दी जाएगी। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत मिलेगी सुविधा, लाभार्थी और केंद्र सरकार की 50% हिस्सेदारी होगी। प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना के तहत आशा और आशा फैसिलिटीज की सुविधा ले सकेगी। इसके लिए लाभार्थी और केंद्र सरकार को 50% हिस्सेदारी देनी होगी और 60 वर्ष की उम्र होने के बाद प्रत्येक महीने 3,000 रुपये पेंशन की सुविधा मिलेगी। डॉक्टर सियाराम मिश्र, सिविल सर्जन समस्तीपुर, इनका बोलना है योजना का लाभ पाने के लिए आवश्यक जानकारी मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या जानकारी चाहिए। 18 से 40 वर्ष की उम्र के व्यक्ति इस स्कीम के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस योजना में मेंबर अपने अकाउंट को ऑटो डेबिट के जरिए योगदान कर सकता है। इस स्कीम में जितनी राशि सदस्य की ओर से जमा होगी उतनी सरकार की तरफ से भी होगी। इस स्कीम के आवेदन करने के लिए कर्मचारियों के पास आधार कार्ड और सेविंग अकाउंट जरूरी है। अगर एक मेंबर योजना के 18 वर्ष की उम्र में ज्वाइन करता है तो उसे कम से कम 55 रुपये मासिक योगदान देना होगा, जिसके बाद रिटायरमेंट पर 3,000 रुपये मासिक पेंशन भी मिलेगी। अगर सदस्य का निधन 60 वर्ष की उम्र से पहले हो जाता है तो उसका पति या पत्नी योजना का ज्वाइन कर चालू रख सकते हैं और यह नियमों के अनुसार स्कीम को छोड़कर पैसा भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर पेंशन पाने वाले दौरान सदस्य का निधन हो जाता है तो उसके पति पत्नी को 50% मासिक पेंशन मिलेगी। ये पेंशन सिर्फ पति या पत्नी को ही मिलेगी, इसके अलावा किसी और को नहीं मिलेगी। तो आपने देखा कि बहुत बड़ा फायदा देने जाने वाली है गवर्नमेंट पेंशन, 3,000 रुपये बहनों को पेंशन मिलेगी, तो उससे संबंधित बड़ी खबर है। अब देखते हैं स्मृति ईरानी ने अभी मंत्री पद के लिए शपथ ली है और ये क्या बहनों को 18,000
1000 रुपये मिनिमम मानदेय देने के लिए घोषणा करेंगे या और भी बहनों की वेलफेयर के बारे में सोचेगी। तो जैसे ही कोई खबर आएगा हम आपके लिए लेकर के हाजिर हो जाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।